रूट ने एडमिट किया कि हमने उन्हें छेड़ दिया और वो हमारे गले पड़ गए। जब आप किसी को उंगली करते हैं तो 11 इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह की विक्ट्रीज बड़ी कम देखने में आई है, क्योंकि जी आप है ना किसी भी होम टीम को इस तरह आउट कर दें। छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, स्लैजिंग नहीं करनी, इंडिया को नहीं छेड़ना। विराट कोहली की क्या इंपॉर्टेंस है देखे, उस बंदे का फील्ड में होना, बल्ले से वो रन करे या ना करे, उसके मुंह से बोलना भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता। कोहली की भी सुनी, रूट की भी सुनी, सबको सुना, अपना हिटमैन शर्मा का भी सुना, राहुल का भी सुना, सारों को सुना, और एक बात पे मैं पहुंचा वो कि बात तो ठीक है, जब आप किसी को उंगली करते हैं तो 11 इकट्ठे हो जाते हैं, तो राहुल की और हिटमैन और किंग की बात में वजन है। और शुक्र है इन लोगों को अब समझ आ गई है कल की विक्ट्री के बाद कि इनके लिए वीके विराट कोहली की क्या इंपॉर्टेंस है। देखे, उस बंदे का फील्ड में होना, बल्ले से वो रन करे या ना करे, उसके मुंह से बोलना भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। रूट ने एडमिट किया कि हमने उन्हें छेड़ दिया और वो हमारे गले पड़ गए, और उसने ये भी माना है कि जनाब शामी और बुमराह जो है, फिर कोहली ने खुल के तारीफ की है बुमराह शामी की, अपने प्लेयर्स की, यूनिट की, और उसने ये भी कहा कि जनाब बिल्कुल फील्ड में जब होता है तो फिर होता है। देखे, उसने कहा 60 ओवर जो थे मुझे यकीन था कि हम 60 ओवर में कर जाएंगे। ऑब्वियसली इंग्लैंड जो है इस वक्त जख्मी हो गया बहुत बुरी तरह, उन्हें हर्ट कर रहा है। क्राउड की बड़ी तारीफ की है कोहली ने, और करनी भी चाहिए। देखिए, हम एशियंस को सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, इंडिया पाकिस्तान को, हम जहां भी जाते हैं हमें यह फायदा होता है कि हमारे पीछे काफी मैसिव क्राउड जो होता है, और लगता है ऐसे ही हम घर में खेल रहे हैं। फिर आप देखें, इन्होंने लॉर्ड्स में भी जीत लिया, सेना कंट्रीज में पांचवी इनकी जीत आ गई है कोहली की। तो बॉलर्स जो हैं वो आग उगलेंगे, आग तो जनाब कल आपने उंगल दे दी ना बुमराह को, आपने गुस्सा चढ़ा दिया, फिर तो आग निकलनी थी। केएल राहुल सेड इफ यू गो आफ्टर वन ऑफ आवर गाइस All 11 will come right All back. 10 will back him. Yes. तो बिल्कुल यही बात अभी आपसे की है। Including उसके भी उसने 11 बोल दिया ना। Kohli mentioned about this that they charged us up like while fielding. कहता है on the field अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा, ठीक है। देखें, आपका attitude change हो गया ना, body language change हो गई। एक प्लेयर को आपने छेड़ा पहले फील्ड के अंदर, फिर देखो माइकल वॉन का भी हम सुन रहे थे, ठीक है उसने, हालांकि वो कम भी ठीक किया था। बात ठीक है, इसके ये स्टैट्स हैं, ये वीक पॉइंट्स हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट हैं, तो उसको एक ये भी बड़ा सा रेड लाइन में लिख के ऊपर लगा देना चाहिए कि इनको छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, स्लैजिंग नहीं करनी, इंडिया को नहीं छेड़। हाँ, इंडिया के जो खिलाड़ी हैं इनको जब देखें, ये एक अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव चीज है कि जैसी कोई आपके साथ इस तरह छेड़ा छाड़ी करता है आपके अंदर से बेस्ट निकल के आता है। तो इसमें अच्छी बात है, वो और छेड़े और बातें करें। ये हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, टाइम एंड अगेन देखा है। अभी विराट कोहली उस तरह की फॉर्म में नहीं है, मिचेल जॉनसन जैसे बॉलर की धुलाई होती हुई भी देखी है हमने पास्ट में, वी हैव सीन दिस। और ये वाली सीरीज में भी और इससे पहली वाली 2018 वाली में भी, दोनों में वहां पर इंडिया जीत के आया है। और अगर इंग्लैंड वाले थोड़ी अकल का इस्तेमाल करते हैं तो छेड़ा छाड़ी करने के बजाय, काम वैसे उनका सीधा जा रहा था, तो उन्होंने अंदर से मजीद एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन। इस तरह की विक्ट्रीज बड़ी कम देखने में आई है, क्योंकि जी आप है ना किसी भी होम टीम को इस तरह आउट कर दें और जिस तरह की बॉलिंग की है, तो वैसे मेरे लिए ना ज्यादा हैरान कुन ये है कि मेरा ये ख्याल था कि जी थोड़े ज्यादा स्कोरों में आउट कर देंगे, लेकिन इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो इन्होंने पहली इनिंग्स में, पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में बॉलिंग की थी ना, उससे जो इंग्लैंड की बैटिंग पे जो इनका प्रेशर था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था, और पता चल रहा था कि जिस तरह बुमराह ने, सिराज ने, शमी ने जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन मैं सारी आपको ये वाली चीज़ बताऊं कि ये जब से ये नई लड़कियां आई हैं, जो ये जिस अप्रोच से ये खेल रहे हैं क्रिकेट, जिस कहना चाहिए कि पैशन के साथ खेलते हैं, जितने ये पॉजिटिव क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप देना कि इनकी विक्ट्रीज है ना आउटसाइड द कंट्रीज बहुत होने लग गई। जिस टीम की विक्ट्रीज आउटसाइड द कंट्री होना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि जी उसकी टीम है ना बहुत स्ट्रांग टीम है। होम टीम में ना बहुत सारी टीमें जीतती हैं, लेकिन इस तरीके से हराना जाके किसी के मुल्क में, और ये एक बड़ी टीम की निशानी है। और मैं जितनी भी सिराज की तारीफ करूँ, बुमराह की तारीफ करूं, क्योंकि एक तो देखो
विकटे सिराज ने टेस्ट मैच में 8 आउट किए हैं, बुमराह ने दूसरी इनिंग्स में ये 3 आउट किए हैं या शमी ने किए हैं, लेकिन आप इनकी अप्रोच देख रहे हैं, ठीक है जी, जिस एग्रेशन के साथ ये बॉलिंग कर रहे हैं, जितनी ये फाइट कर रहे हैं, और किसी भी टीम की अगर स्ट्रेंथ देखनी हो ना, स्ट्रेंथ आपको उस टाइम पता चलती है जिस टाइम इनकी जो सी टेल है ना, जिस टाइम ये बैटिंग कर रही होती है ना, तो ये फाइट करती है, तो आपको पता चलता है कि जी इसकी टीम की कितनी स्ट्रेंथ है। तो जिस टाइम शमी ने ये 50 किया अपना दोबारा से, तो ये उसने बताया कि जी उसके ऊपर वाले प्लेयर्स आउट हो गए हैं, लेकिन ये कि जी वो है ना अपना नीचे वालों ने हिम्मत नहीं आ रही, फाइट की है, और 50 जितनी ये पार्टनरशिप थी ये बड़ी क्रूशल थी कि जी इंग्लैंड की कमर तोड़ने के लिए। और रही सही कसरत के बॉलर्स तो पहले टेस्ट मैच में भी इसे बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, और जहां भी उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की क्योंकि जितनी जबरदस्त, मेरे ख्याल में जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी पहले टेस्ट मैच जीतने की, ये उसका रिवॉर्ड मिला है कि जो ये इतना जबरदस्त टेस्ट मैच जीते हैं। एक स्पिरिट देखिए ना, वुड रिजवान 90 प्लस की स्पीड से कर रहा है और आप स्लिपें नहीं लगा रहे। ऋषभ पंत के लिए आपने बाउंड्री पे कम फील्डर लगाए हैं, बुमराह और सिराज के लिए आपने ज्यादा फील्डर लगा दिए बाउंड्री पे। बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर सबसे बड़ी बात है, इसने एडमिट किया रूट ने कि जनाब 3 दिन तो हमने बड़ा अच्छा खेला, आखिरी दिन जो है वो हमसे ले गए। माइकल वॉन ने भी यही बात की है। देखिए मेरा जाती ख्याल है कि कल जो दोनों टीमों में फर्क था ना, वो यही फर्क था, एक टीम जीतने के लिए उतरी थी और एक टीम जो है वो लॉस्ट हो गई थी, उसे पता ही नहीं चला हमारे साथ हुआ क्या है। इंडिया ने देखें, आप जब किसी फास्ट बॉलर को, ये याद रखें, फास्ट बॉलर की एक जो है ना नेचुरली ना वो एग्रेसिव होता है। बेशक बुमराह बाकियों की निस्बत बड़ा ठंडा है, कूल माइंडेड है, लेकिन जब आप उसको छेड़े, और देखें सबसे बड़ी बात, 89 रन की पार्टनरशिप की, 1.5-2 घंटा खड़े रहे, उसके बाद दोनों ने बॉलिंग नए बॉल से की, दोनों ने विकेट शुरू में दे दी। पीछे था इंग्लैंड से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो जैसी इन दोनों की पार्टनरशिप लगी है वो ना सिर्फ बराबर आया बल्कि वो ऊपर चला गया इंडिया, और उसका जो दोनों की पार्टनरशिप थी जिस तरह उसने फेंटा, जो बाहर बैठे हुए थे बॉलर्स भी बैट्समैन भी, खैर ये भी बॉलर्स थे, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज मजीद चार्ज्ड हुई है कि यार ये दो बंदे जिनसे मतलब ऑब्वियसली उन्होंने अगर अपना हाईएस्ट स्कोर टेस्ट का स्कोर किया है तो ये पहला दूसरा तो मैच नहीं है कि आपको उनकी बैटिंग स्किल्स का अंदाजा नहीं है, स्टिल लाइक दे गेव देयर बेस्ट। तो जो बाहर बैठे हैं उनमें भी उससे मोटिवेशन हुई, जब वो फील्ड में आए हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज बड़ी चार्ज अप थी, उस पार्टनरशिप का बड़ा रोल था। बहरहाल उधर रूट ने वो मिस किया और उसने एक्सेप्ट भी किया, तारीफ भी की इंडिया की कि इंडिया शानदार क्रिकेट खेल रहा है, और फिर ये भी बोला कि उनकी तरह मतलब बनना चाहेंगे